Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the Commerce Paper 4, जो आपका कल पेपर होने वाला है उसके बारे में हम कुछ बेसिक चीज़ें बात करेंगे और मैं कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस कंपैरेटिवली बढ़ जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। जैसे मैंने ऑडिटिंग का एक वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको सारे चीज़ें रिवाइज़ की थी, उसी के बेसिस पे काफ़ी स्टूडेंट्स को पेपर अच्छा गया है और जो मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो सारे क्वेश्चंस पेपर में आए थे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आपका पेपर कैसे था। अगर हम मॉड्यूल नंबर 1 की बात करें तो मॉड्यूल नंबर 1 है प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर, और इसमें अगर हम देखें तो तीन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ कि किसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वन इज़ प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम्स, वन इज़ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फिर उसके सिस्टम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पे पूछा जा सकता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे स्कोप हो, फिर मैनेजमेंट सिस्टम कंटिन्यूअस एंड इंटरमीडिएट मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, जो टेक्निक्स है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के वो आपको यहाँ पे पढ़ के रखने, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जो टेक्निक्स है। अगर हम पिछले पेपर्स को देखेंगे तो पिछले पेपर्स में भी इन्वेंट्री कंट्रोल के ऊपर जो टेक्निक्स है वो टेक्निक्स पेपर में पूछे गए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको तीन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तीन क्वेश्चन अलग अलग पे होगा, एक मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर होगा, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर होगा और एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऊपर होगा। तो आपको ये तीन क्वेश्चंस में से दो सॉल्व करने हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जो टेक्निक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एज वेल एज प्रोडक्शन सिस्टम जो है, प्रोडक्शन सिस्टम भी दोनों पढ़ के रखे, एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे इंपॉर्टेंस है, स्कोप है, एडवांटेजेस है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम मॉड्यूल नंबर 1 की बात करें तो काफ़ी ईजी पॉइंट्स मॉड्यूल नंबर 1 में है, जिसमें प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एंड दूसरा उसके साथ इन्वेंट्री मैनेजमेंट की भी कुछ बेसिक पॉइंट्स कवर होते हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको मॉड्यूल नंबर 1 से पूछा जाएगा, और अगर मॉड्यूल नंबर 1 की हम बात करें तो मॉड्यूल नंबर 1 में 3 पॉइंट्स आर बेसिकली कवर्ड। सो दिस 3 पॉइंट्स कवर्स यूजुअली द प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड द इन्वेंट्री मैनेजमेंट एज कंसर्न। तो ओवरऑल इसी के ऊपर हर साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप वो सारी चीज़ें प्रॉपरली पढ़ के रखें सो दैट आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो मॉड्यूल नंबर 1 पे आएगा आपको सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अब हम मॉड्यूल नंबर 2 की अगर बात करें तो मॉड्यूल नंबर 2 पूरा फोकस करता है क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्वालिटी सर्कल्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्वालिटी मैनेजमेंट TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, काइजिन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, SERVQAL सर्क्विल मॉडल के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिर मेशर्स टू इंप्रूव सर्विस क्वालिटी उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, या फिर अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो इसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ISO भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, तो ISO के ऊपर भी आप डिटेल पढ़ के रखें, दैट इज़ दी मॉड्यूल नंबर 2 एज कंसर्न। तो मॉड्यूल नंबर 2 अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, लेकिन ये सभी पॉइंट्स क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहा है, तो क्वालिटी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। जैसे क्वालिटी सर्कल्स है, उसके फीचर्स है, फिर काइजन है, उसका प्रोसेस पूछ सकते हैं, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर क्वालिटी सर्कल्स के ऊपर तो यूजुअली क्वेश्चन पूछा ही गया है, या फिर TQM के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच इज़ कॉल्ड एज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी थोड़ा प्रॉपरली पढ़ के रखे, काइजेन को प्रॉपरली पढ़ के रखे, SERVQAL को प्रॉपरली पढ़ के रखे, दैट इज़ दी मॉडल सर्कुल मॉडल, तो उसके बेसिस पे ही एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछने के लिए ट्राई करेगा। तो इसी के बेस पे आपको क्वेश्चंस मॉड्यूल नंबर 2 को प्रिपेयर करना है, जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है उसको ऑप्शंस में ना रखे, उसी के ऊपर क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। अगर हम मॉड्यूल नंबर 3 की बात करें तो मॉड्यूल नंबर 3 थोड़ा प्रॉब्लमेटिक मॉड्यूल है, बिकॉज इसमें आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ेगी अबाउट NSDL, अबाउट CDSL, अबाउट SEBI एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ बात करें तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में NSDL, CDSL पे क्वेश्चंस यूजुअली पूछा जाता है,
फिर कैपिटल मार्केट्स के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है, कैपिटल मार्केट्स के ऊपर क्वेश्चन यूजुअली पूछते हैं, या फिर डिमटेरियलाइज ट्रेडिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में भी पढ़ के रखना, एज वेल एज सेबी के जो भी प्रोविजन्स है, सेबी के जो भी फीचर्स है, सेबी के जो भी इंपॉर्टेंस है, सभी चीज़ सेबी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो आप एक बार ओवरव्यू लेके रखना, सो दैट अगर सेबी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको प्रॉब्लम्स फेस ना हो। फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है, क्रिसिल है, इकरा है, उसके बारे में भी पढ़ के रखें, बिकॉज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पे हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, कभी स्पेसिफिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पे पूछ सकते हैं, या फिर कभी कभी कोई तीन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पे पूछ सकते हैं, या फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का इंपॉर्टेंस के बेसिस पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। That means they can ask you what is the importance of credit rating agencies. ऐसे भी पूछा जा सकता है, या क्रिसिल के ऊपर, इकरा के ऊपर, या कोई भी थ्री क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ऊपर जो इंडिया में ऑपरेटिंग है उसके ऊपर पूछा जा सकता है। मॉड्यूल नंबर फोर की अगर हम बात करें तो मॉड्यूल नंबर फोर, ये आपको क्वेश्चन नंबर फाइव में पूछा जाएगा, तो इसमें अगर हम बात करें रिसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंस, तो म्यूचुअल फंड से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। म्यूचुअल फंड्स जो है वो बिल्कुल भी ऑप्शन में ना रखे, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स है, फिर कुछ फैक्टर्स जो रेस्पॉन्सिबल होंगे ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड्स के लिए, तो ओवरऑल ये सब चीज़ें आप पढ़ के रखें म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है, फिर एक डेरिवेटिव मार्केट जो है, डेरिवेटिव से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है, फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, माइक्रो फाइनेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट, माइक्रो एंड स्मॉल फाइनेंस जो नीडी ग्रुप्स फार्मर्स को दिया जाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनेंस, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ओवरऑल अगर ये देखें तो हम इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मॉड्यूल नंबर फोर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तीन के ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा है। दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो, मैंने एकदम शॉर्ट वीडियो बनाया सो दैट आपको टाइम मिल पाए और आप अपने एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर पाए। आपको ऑडिटिंग का पेपर कैसे गया है कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं, बिकॉज मैंने जितनी सारी चीज़ें बताई थी उसी के ऊपर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।